ये बहुत बड़े सवाल आज दिल्ली के माहौल पे खड़े करते हैं। सवाल ये भी होता है कि एलजी साहब कहां पे व्यस्त हैं। कुल दो काम उनको संविधान ने दिए दिल्ली में, मात्र दो काम, पुलिस का जिसमें पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों आ जाते हैं, दूसरा लैंड का यानी कि डीडीए का। इन दोनों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं दिए संविधान ने, तब भी वो इन कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। वो किस चीज में व्यस्त हैं, हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से पूछना चाहते हैं। कल ये खबर लगभग सब अखबारों में छपी, किस तरीके से एक छोटी सी लड़की की हत्या, दिन दहाड़े एक युवक ने कई दर्जन बार चाकू घोंपकर उसको बहुत निर्मम तरीके से मारा। आसपास लोग दिख रहे हैं, कोई बचाने के लिए भी नहीं आगे आ रहा। कुछ दिनों पहले हमने देखा 20 किलोमीटर तक कंझावला में एक लड़की की निर्वस्त्र लाश को 20 किलोमीटर तक घसीटा गया, तब भी कोई एलजी साहब से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पुलिस तो जो लोग कार चला रहे थे उनको सबसे पहले क्लीन चिट अगर किसी ने दी तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने दी। उन्होंने कहा नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनको पता ही नहीं था। बाद में इतना हंगामा हुआ तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दिला, वरना तो डीसीपी पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दे दी थी। क्या उस डीसीपी को कोई कार्रवाई करी एलजी साहब ने? कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली के अंदर इतने सारे थाने हैं, मैं चाहता हूं एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं वो आज तक कितने थानों में औचक निरीक्षण करने गए हैं। एलजी साहब बता दें, उनको अपना जो है कुछ तो उनका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उनको जाना चाहिए रात में दिल्ली में, निकलना चाहिए सड़कों पे, देखना चाहिए कि कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर, अनऑथराइज बस्तियों के अंदर क्या पुलिस बीट कर रही है, गश्त लगा रही है। कोई नहीं देखता, कोई देखने वाला ही नहीं है। एलजी साहब की कोई जवाबदेही नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी है उनकी। अगर कोई और राज्य होता तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया गया होता, मगर यहां पे हर दूसरी बात पे प्रेस रिलीज देने वाले एलजी साहब बिल्कुल चुप बैठे। इस बार एलजी कार्यालय से कोई प्रेस रिलीज ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा एलजी साहब बताएं इसके अंदर। एक और घटना के बारे में आज पता चल रहा है कि मजनू के टीले पे एक 22 वर्षीय लड़की की लहू लुहान लाश बरामद हुई। तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं परसों की या शायद कल की है वो घटना। लक्ष्मीगढ़ नगर के अंदर दिन दहाड़े दो गुटों के अंदर झगड़ा हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लक्ष्मी नगर यहां से पड़ोस में। तो हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? टीवी के अंदर चल रहा है कि साहब लोग कोई बचाने नहीं आए, ये सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ऐसे कई मामले पिछले एक साल के अंदर हुए जिसके अंदर आसपास के लोग बचाने नहीं आते हैं। आप सर्वे कर लीजिए क्यों ऐसा है। मैंने कुछ लोगों से जानना चाहा क्यों नहीं आते लोग, तो लोग कहते हैं साहब अगर हम बीच में आ गए तो पुलिस असली अपराधी से तो पैसे ले लेगी,